प्रातः क्लास चल रहा था 4/12/1967। द मॉर्निंग क्लास डेटेड 4/12/1967 वॉज बींग नरेटेड। सोमवार को 9वें पेज पर मध्यांत में बात चल रही थी। ऑन मंडे वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक इन द एंड ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द 9th पेज। बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जो पिछाड़ी में तुमको अपनी आत्मा और अपनी आत्मा के बड़े भाई इल्डर ब्रदर है कि सिवाय और कोई चीज याद ना आए। चिल्ड्रन शुड मेक सच पुरुषार्थ दैट दे डोंट रिमेम्बर एनीथिंग एक्सेप्ट देयर सोल एंड द एल्डर ब्रदर ऑफ देयर सोल इन द एंड। और इल्डर ब्रदर है तो उसमें बाप की सुप्रीम सोल की परम पिता की आत्मा तो धरी रहती है। एंड व्हेन ही इज द एल्डर ब्रदर द सोल ऑफ द फादर द सुप्रीम सोल द सुप्रीम फादर इज सर्टेनली प्रेजेंट इन हिम। अरे बाप की आत्मा अपने कौन से बच्चे में रखी रहती है? अरे द फादर्स सोल रिमेन्स अटैच्ड टू विच ऑफ हिज चाइल्ड? युवराज में रखी रहती है ना जिसको राज्य देना है। इट रिमेन्स अटैच्ड टू द एयर हुम ही हैज टू गिव द किंगशिप डजंट इट? यस। समझे ना? यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू? यानी कर्मातीत अवस्था में हो जाओ। इट मीन्स स्टे इन द कर्मातीत स्टेज मीनिंग स्टेज बियॉन्ड द इफेक्ट ऑफ एक्शंस। उसकी याद से कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाएगी? हाउ विल यू अटेन द कर्मातीत स्टेज थ्रू हिज रिमेम्बरेंस? अरे डॉक्टर डॉक्टर बनाएगा। अरे अ डॉक्टर विल मेक समवन इनटू अ डॉक्टर। इंजीनियर इंजीनियर बनाएगा। एन इंजीनियर विल मेक समवन इनटू एन इंजीनियर। नहीं बनाएगा। नो ही विल। वकील वकील जज बनाएगा। एंड अ लॉयर विल मेक समवन इनटू अ लॉयर और अ जज। तो जो कर्मातीत अवस्था होगा वो ही तो कर्मातीत बनाएगा। सो The one who has attained the karmatit stage, he alone will make others into karmatit. Shiv ko kahenge ki wo karmatit hota hai. Will it be said for Shiv that he becomes karmatit? Uska koi karma bandhan hai? Does he have any bondage of actions? Uska to koi karma bandhan hai hi nahi. He doesn't have any bondage of actions at all. To jis mukarrar rath mein परमात्मा पार्टधारी हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है, है उसकी कर्मातीत अवस्था होती है। सो द परमानेंट चैरियट द वन हु प्लेज द पार्ट ऑफ द सुप्रीम सोल द हीरो एक्टर हुम ही एंटर्स अटेन्स द कर्मातीत स्टेज। फिर क्या होता है? देन व्हाट हैपेंस? सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती ही जाती है। यस एवरी वन कंटिन्यूज टू अटेन द कर्मातीत स्टेज नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ। पहले बीज रूप आत्माओं की होती है। फर्स्ट द सीड फॉर्म सोल्स अटेन इट। फिर आधार मूर्त जड़ों की होती है। देन द आधार मूर्त रूट्स अटेन इट। फिर देन फिर वृक्ष में जो भी तना है टनी टहनी है, है पत्ते हैं कलियां हैं फूल हैं फल हैं सबका कल्याण होगा कि नहीं होगा? देन विल ऑल द ब्रांचेस ट्विग्स लीव्स बड्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स बी बेनिफिटेड और नॉट? सबका कल्याण होता। ऑल ऑफ देम आर बेनिफिटेड। सबकी कर्मातीत अवस्था। एवरीवन अटेन्स द कर्मातीत स्टेज। कर्मातीत अवस्था की निशानी क्या होगी? पहली पहली निशानी। What will be the indication, the very first indication of the Karmatit stage? Nirvandham Vasi, meaning those who reside in the abode beyond speech, the stage beyond speech. आपने शास्त्रों में चार मनुष्य के जो पुरुषार्थी रूप हैं वो गाए हुए हैं ना? The four purusharthi forms of human being are praised in our scriptures, aren't they? बचपन है नौजवानी है और नौजवानी भोगने के बाद फिर वानप्रस्थ। Childhood, adulthood,
and after enjoying adulthood comes the stage of retirement, that is vanprast. Vanprast se bhi uncha? What is higher than even vanprast? Kya hai? Sanyas. Sampurna? Sampurna nyas. Sanyas, meaning complete renunciation. To karmatit avastha ki yadgar hai nirvana dham vasi. So, the yadgar of the karmatit stage is nirvana dham vasi. Kya? What? फिर वाणी चलेगी? Then, will the speech work? वाणी चलेगी? Will it work? फिर वाणी नहीं चलती. Then, it doesn't work. तो निर्वाण धाम जा करके निर्वाण पद पाएंगे. You will attain the position of Nirvan after going to Nirvan Dham. तो निर्वाण पद पाने के लिए वाणी से परे की स्टेज का पद पाने के लिए. So, in order to attain the position of Nirvana, the position of the stage beyond speech. जहाँ इशारे से ही सारी बात सबको समझा सके. Where you can explain everything to everyone just through indications. है ना? तो ऊंची स्टेज है ना? Isn't it? So, it is a high stage, isn't it? उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना? You will have to work hard for that, won't you? तो ये तो समझते हो. कि अभी तो मेहनत तो क्या, अरे बहुत मेहनत है. So, you certainly understand that there isn't just hard work, but अरे, there is a lot of hard work involved now. इतनी मेहनत है कि मेहनत तो बाद में करेंगे. There is so much hard work that you will work hard later. पहले तो अच्छी तरह सुने और समझें. क्या बोला? First, you should listen and understand nicely. What did he say? Ek ek murli ko kitne baar? Every murli. How many times? Haan. Student replies, yes. 6 baar sunna padhna chahiye. You should listen to it or read it 6 times. Haan. Aur phir achhi tarah samajh mein baithegi. To samajhna chahiye. Then you will understand it nicely. So you should understand it. बिचारे समझते भी नहीं हैं. The poor ones don't even understand it. है? फिर मेहनत करेंगे? मेहनत कहाँ से करेंगे? Then will they work hard? How will they work hard? और बहुत हैं ये जो सुनते तो हैं, लेकिन समझते नहीं हैं. And there are many of such ones who do listen, but they don't understand it. हाँ हाँ तो सुनते हैं. यस यस दे डू लिसन. अपने मन मुताबिक मनुष्यों की मन की मनुष्य की मन मत के मुताबिक करते भी. दे इवन एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर माइंड्स ओपिनियन और द ओपिनियन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स माइंड. परंतु कोई याद करे सुनने के बाद समझने के बाद मनन चिंतन मंथन करने के बाद फैसला करे और पहचाने. बट इफ समवन रिमेम्बर्स मी आफ्टर लिसनिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर थिंकिंग एंड चर्निंग इफ ही मेक्स अ डिसीजन एंड रिकग्नाइजेस. किसको? हु? वो सुप्रीम सोल जो अव्यक्त है, देखने में नहीं आता है. द सुप्रीम सोल हु इज सटल द वन हु इजंट विजिबल. वो किस मनुष्य तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाय रहा है. इन विच ह्यूमन बॉडी Permanent chariot he has entered and is playing the part. उसको पहचान करके याद करे. You should recognize that chariot and remember him. तो अच्छे अच्छे जो भी बच्चे हैं ना, हैं या नहीं? All the very good children are there or not? हाँ हैं. Yes, there are. बाबा ने बताया ना. Baba has said, hasn't he? इनकी बहुत अच्छे जो वाणी बहुत अच्छी चलाते हैं ना, वो याद करते ही नहीं है. His very good children, those who narrate very good vani, they don't remember at all. क्या? भाषणबाजी तो बड़ी सुंदर कर देते हैं. What? They do deliver very good speeches. लेकिन कमी क्या बताई? But what shortcoming did he mention? याद करते. क्यों नहीं याद करते? They don't remember. Why don't they remember? कारण बता दिया. The reason was mentioned. क्यों नहीं याद करते? Why don't they remember? हाँ, क्योंकि
समझ करके। स्टूडेंट रिप्लाइज, यस इट इज बिकॉज आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, अच्छी तरह सुन करके, अच्छी तरह अध्ययन करके, मनन चिंतन मंथन करके फैसला ही नहीं कर पा रहे। आफ्टर लिसनिंग टू द नॉलेज वेल, आफ्टर स्टडिंग नाइसली एंड थिंकिंग एंड चर्निंग, दे जस्ट आरंट एबल टू डिसाइड कि किसको याद करना है। हु शुड वी रिमेम्बर? निराकार ज्योति बिंदु शिव हेवनली गॉड फादर को याद करना है। शुड वी रिमेम्बर द इनकॉर्पोरियल पॉइंट ऑफ लाइट शिव हेवनली गॉड द फादर? अगर उसको याद करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? इफ दे रिमेम्बर हिम, व्हाट विल बी द रिजल्ट? वो सदाकाल निराकार धाम वासी बनेगा। ही विल बिकम द रेसिडेंट ऑफ द इनकॉर्पोरियल अबोर्ड फॉर एवर। तो निराकार धाम में जैसे वो पड़ा पड़ा सोता रहता, दुनिया का सबसे बड़ा कुंभकर्ण है कि नहीं? सो जस्ट लाइक ही कीप्स स्लीपिंग इन द इनकॉर्पोरियल अबोर्ड, इज ही द बिगेस्ट कुंभकर्ण ऑफ द वर्ल्ड और नॉट? है नहीं है? Isn't he? अच्छा सबसे बड़ा नहीं तो कुछ बड़ा तो है ना? अच्छा, if not the biggest, he is bigger to some extent, isn't he? हाँ, तो कुंभकर्ण बनने के लिए तैयार हैं? Yes. So, are you ready to become कुंभकर्ण? सुसुप्ति में पड़े रहेंगे परम धाम में। You will remain asleep in the supreme abode. हाँ, चाहिए? ओ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अच्छा। Do you want that? Student replies. We don't want that. अच्छा तो बताया, वाणी तो बहुत अच्छी चलाते हैं। So, it was said, they do narrate very good vani. याद नहीं करते। But they don't remember. अच्छा याद कौन करती है वास्तव में? अच्छा who remembers Shiv Baba in reality? वो जो बांधेली माताएं हैं। The mothers in bondage means बांधेली। क्या? What? बंधन में पड़ी हुई। Those who are in bondage. सबसे बड़ी बांधेली का नाम बताओ। Tell me the name of the biggest बांधेली। अरे बताओ भाई, एक अक्षर लिखो जल्दी से। अरे tell me brother, write a syllable quickly. लक्ष्मी। अच्छा उससे बड़ी बांधेली कोई है ही नहीं। Student replies, लक्ष्मी? अच्छा isn't there a bigger बांधेली than her? वो अपने स्वभाव संस्कार में बंधी हुई है। Is she bound in her nature and संस्कार? जगदम्बा। Student comments, जगदम्बा। अच्छा तो वो जो बांधेली हैं, उनकी जो सरपरस्त है वो बड़ी मार खाती है। अच्छा सो द चीफ ऑफ दोज बांधेलीज रिसीव्स अ लॉट ऑफ बीटिंग्स। जगदम्बा मार खाती है क्या? डज जगदम्बा रिसीव बीटिंग्स? कोई डंडे लेके आता है क्या? Does anyone come to her with a stick? अरे बोलो। अरे speak up. नहीं। अच्छा No. अच्छा अच्छा भक्ति मार्ग में नरक की दुनिया जो भी माताएं कन्याएं डंडे नहीं खाती? अच्छा don't the mothers and maidens receive beatings in the path of bhakti in the hellish world? डंडे खाना literally means to be beaten with a stick. डंडे का और डंडियां का खाती है नहीं? Call it dande or dandiya. Are they beaten or not? अरे हाँ खाती तो है, मानेंगे। अरे yes, they certainly are. You will accept it. कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे। Some will accept and some won't. हाँ वो जो बांधेली है ना, हाँ बहुत बहुत खाती है डंडिया। Yes, those bandhalis receive a lot of beatings. मार खाती है, डंडे खाती है। दे आर बीटन विद अ स्टिक। तो शिव बाबा पुकारती है। सो दे कॉल आउट शिव बाबा शिव बाबा। क्या शिव बाबा पुकारती है माने? वॉट दे कॉल आउट शिव बाबा, वॉट डज इट मीन? किसको पुकारा जाता है? साकार हो उसको पुकारा जाता है कि निराकार को पुकार? ओ निराकार शिव। हु इज कॉल्ड? Is the corporeal one called, or is the incorporeal one called, or incorporeal Shiv? O Atma, idhar aao, supreme soul. O the soul, the supreme soul, come here. Aise bulaya jata hai? Nahi. Is it called like this? No. Koi dehdhari hota hai tab bulaya jata hai ki bina dehdhari? Is some bodily being called, or is someone without a body called? Kali to bataya. Kya?
इट वॉज टोल्ड जस्ट यस्टरडे व्हाट आत्मा का नाम पड़ता है तो साकार शरीर के ऊपर पड़ता है तो बुलाया जाता है ओ शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा द सोल इज नेम्ड द कॉर्पोरियल बॉडी इज नेम्ड सो ही इज कॉल्ड ओ शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा किसको पुकारती है जगदम्बा हु डज जगदम्बा कॉल सब माताओं की अम्बा किसको पुकारती है शी इज द मदर ऑफ ऑल द मदर्स हु डज शी कॉल अरे यही भूल गया अरे ये लो यू फॉरगॉट इवन दिस कौन सा आकार है जिसको पुकारती है हु इज द कॉर्पोरियल वन हु शी कॉल्स उसी को पुकारेगी स्टूडेंट रिप्लाइज यस शी विल कॉल दैट वेरी वन जो कन्या होती है ना देयर इज अ मेडन इजंट देयर कन्या के जीवन में जो पहला ठप्पा पड़ता है ना द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट इज मेड ऑन अ मेडन्स लाइफ उस व्यक्ति को वो भूल नहीं पाती जीवन में शी इजंट एबल टू फॉरगेट दैट पर्सन थ्रू आउट हर लाइफ क्या उससे जितना सुख अनुभव किया वॉट द हैप्पीनेस शी एक्सपीरियंस्ड फ्रॉम दैट वन उतना सुख तो दुनिया में और किसी से अनुभव हो ही नहीं सकता She can't experience as much happiness from anyone else in the world. तो याद करेगी कि नहीं So, will she remember him or not? हाँ याद आता है ओ शिव बाबा शिव बाबा Yes, she remembers him. ओ शिव बाबा शिव बाबा आप जितने सुखदाई है उतना तो दुनिया में कोई सुखदाई है ही नहीं आप सुख के सागर हैं No one in the world is as joy giving as you. You are the ocean of happiness. इतना तो जान लेती है कि सागर है सूर्य नहीं है Yes. She at least understands this much that he is the ocean, not the sun. क्या सूर्य कौन है What? Who is the sun? अरे सूर्य तो heavenly godfather शिव है ना जो रास्ता बताता है अरे the heavenly god the father, शिव is the sun who tells us the path. Isn't he? ज्ञान की रोशनी देता है Yes. He gives the light of knowledge. तो जरूर है वो वानेलिया अपन को है आत्मा समझेंगी कि नहीं समझेंगी So certainly, will those bandalis consider themselves a soul or not? क्या समझेंगी है मैं ज्योति बिंदु आत्मा What will they consider? I am a point of light soul. तभी तो शिव बाबा को बुलाएंगी क्या Only then will they call Shiv Baba. What? खुद आत्मा बने आत्मिक स्थिति में रहें. When they themselves become a soul, stay in the soul conscious stage. है देवान को छोड़े तो बुलाएंगे. Leave body consciousness, then they will call him. बुलाना साकार को होता है या निराकार को होता है Is the corporeal one called or is the incorporeal one called? साकार को ही बुलाना होता है The corporeal one himself is called. है, इसे ब्रह्माकुमारी बुलाती है ना? Yes, just like the ब्रह्माकुमारीज call Brahma Baba, don't they? कैसे बुलाती? How do they call him? आ जाओ ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के आगे ओ ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा समझ लेती आ जाओ ब्रह्मा बाबा हम बच्चों के आगे meaning Brahma Baba, come in front of us children. They consider Brahma Baba to be Shiv Baba. Bulati hai na? They call him, don't they? Yes. To advance party mein jo aa gaye. Those who have come in the advance party. Our advance party ki jo amma hai, Jagadamma, wo to sabse jaasti janti hogi ki nahi? And the mother of the advance party, Jagdamba, would she know him the most or not? Yes. तो सबसे जास्ती हैं ऐसी कन्याएं माताएं जो बांधेली हैं सो देयर इज अ मैक्सिमम ऑफ सच मेडन्स एंड मदर्स हु आर बांधेली है ना देयर आर आरंट देयर यस अबलाएं हैं कन्याएं हैं क्या कहा देयर आर वीक विमेन मेडन्स व्हाट वाज सेड
अबलाए हैं माने उनकी ताकत तो सारी है, वो दुर्योधन दुशासन पहले ही खींच लेते हैं। वीक वुमेन इट मीन्स दोज दुर्योधन दुशासन स्नैच देयर एंटायर पावर बिफोर इटसेल्फ। और फिर कन्याएं हैं, कन्याएं किसे कहा जाता है? एंड देन देयर आर मेडन्स हु आर कॉल्ड मेडन्स, जिनका संबंध संपर्क किसी भी दूसरे व्यक्ति से न हुआ हो। दोज हु डिडंट हैव एनी कॉन्टैक्ट एंड कनेक्शन विद एनी अदर पर्सन, है ना? हाँ। Isn't it? Yes. क्या कहते हैं? What is said? भक्ति मार्ग में भी कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचारी। It is said in the path of bhakti as well, ek nari sada brahmachari, meaning having one wife is equal to remaining celibate forever. To jisne ek nar hi banaya hai wo kanya nahi. So, isn't the one who has made just one man her husband a maiden? Jisne ek manushya ko hi apna pati banaya ho, to kanya nahi. Isn't the one who has made only one man her husband a maiden? वो भी तो कन्या, पार्वती को क्या कहेंगे? Yes, she too is a maiden. What will पार्वती be called? अब्बल नंबर पार लगाने वाली जो आत्मा है, है? The number one soul who takes everyone across. हाँ, अब्बल नंबर क्यों? Student comments. Yes, why is she the number one? अरे, अब्बल नंबर मुकर्रर रहता है कि अब्बल नंबर पार्वती। अरे Is the permanent chariot the number one, or is Parvati the number one? हाँ, अब्बल नंबर पार्वती भी जब तक मैदान में ना आए है तो पार्वती का पार्वता भी पार लग नहीं सकता। Yes, until the number one Parvati comes on the field, even the Parvata of Parvati can't go across. तो अब लाए हैं और कन्याएं हैं। So, there are weak women and maidens. बाकी जो खड़े धंधे वाले होते हैं ना, है? कौन? As for the rest, those who have a standing business, who? कौन होते हैं खड़े धंधे वाले? Who have a standing business? पुरुष लोग, हाँ. Men, yes. ये बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. They understand very nicely. वो याद की यात्रा में है, 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 रहते हैं। On the journey of remembrance, do they stay on it? है? हाँ, वो याद की यात्रा में नहीं रह पाते। Student replies, yes, they aren't able to stay on the journey of remembrance. नाम बैठे करके बताऊं? Shall I tell you their names one by one? बाबा ने बोला। उनके नंबर वार नाम बताऊं? बाबा सेड शुड आई टेल यू देयर नेम्स नंबर वाइज? शुरू से लेकर के नाम बताऊंगा। आई विल टेल यू देयर नेम्स फ्रॉम द बिगिनिंग। क्या? हाँ, ए टू जेड नाम बताऊंगा। व्हाट? यस, आई विल टेल यू देयर नेम्स फ्रॉम ए टू जेड। बताऊंगा। आई विल टेल यू। बताऊंगा ना। आई विल टेल यू, वोंट आई? कि नहीं बताएगा? Or won't he tell you? हाँ, सबके नाम प्रत्यक्ष होंगे कि नहीं? Yes, will everyone's name be revealed or not? दुनिया में जितने भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सबके पद डिक्लेयर होंगे कि नहीं? Will the position of all the 5 to 7 billion human souls be declared or not? अपने अपने पद को जान करके सब संतुष्ट हो जाएंगे या नहीं? Will everyone be satisfied after knowing their position or not? सब संतुष्ट हो जाएं। Everyone will be satisfied. बोलेगा ये जो भी तुम होशियार समझते हो ना यहाँ इस दुनिया में या माला में जो समझते हो वो आ जाने हैं जैसे। He will say, whoever you consider intelligent here, in this world or in the rosary, it is as if they will come. आने हैं? है? नहीं। Will they come? No. है? वो पहले नहीं आवेंगे उतनी तीखी याद में। They won't come first in such intense remembrance. कौन आवेंगे? Who will? वो याद की यात्रा में है ही नहीं।
दे aren't ऑन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस एट ऑल. क्या कहा है? क्या बताया? What was said? What did he say? जिनको तुम होशियार समझते हो, माला में समझते हो ना? Those who you consider intelligent, you consider them to be in the rosary, don't you? नहीं समझते हो? Don't you? शुरू से लेकर A to Z. From the beginning, from A to Z. नहीं समझ में आया? Didn't you understand? हाँ. Student replies, yes. याद की यात्रा में रहते ही नहीं. कैसी याद की यात्रा? They don't stay on the journey of remembrance at all. What kind of journey of remembrance? कैसी याद की यात्रा में नहीं रहते? On what kind of journey of remembrance don't they stay? A to Z कहा शुरू से लेके कहा तो A को पकड़ लो पहले. It was said from A to Z, from the beginning, so catch the A first. कौन हुआ A माने आलफ? Who is A, meaning आलफ? कौन हुआ आलफ? Who is आलफ? अरे बड़ी सोच समझ के लिखना पड़ता है. ये लो. अरे यू हैव टू राइट आफ्टर अ लॉट ऑफ कॉन्टेम्पलेशन. आलफ भी नहीं जाना अभी तक. Didn't you even come to know about आलफ till now? हाँ आलफ माने आदम. Student replies, yes, आलफ means आदम. आदम भी याद की यात्रा में नहीं है. क्यों? Even आदम isn't on the journey of remembrance. Why? क्यों याद में नहीं है? Why isn't he in remembrance? अरे धर्म पिताओं की लिस्ट में है या नहीं है? अरे is he in the list of the religious fathers or not? तो धर्म पिता है निराकार को याद करने वाले होते हैं, कठिन रास्ता पकड़ते हैं. Yes. So, are the religious fathers those who remember the incorporeal one? Do they take the difficult path? के साकार में निराकार को याद करने का सहज रास्ता ज्यादा पकड़ते हैं. Or do they take the easy path of remembering the incorporeal one in the corporeal one more? है तो नंबर वार. They are certainly number wise. क्या करते हैं? What do they do? है? हाँ, बताया. वो याद की यात्रा में नहीं है. क्यों नहीं है? Yes. It was said, they aren't on the journey of remembrance. Why aren't they? क्योंकि confirm ही नहीं कर पाते. It is because, they just aren't able to confirm. पक्का विश्वास बैठ ही नहीं पाता. क्या? They don't have the firm faith at all. What? कि वो मुकर्रर रथधारी कौन है? Who is that permanent chariot? कोई दूसरा है, तीसरा है, चौथा है. Is he a second person, a third, a fourth? या मैं स्वयं हूँ? कन्फर्म कर पाते? Or am I myself that? Are they able to confirm it? कर रहे? अच्छा. Are they? अच्छा. अगर कन्फर्म कर दें. If they confirm it. तो होली में तो बाबा ने बोला है, अव्यक्तवाणी में भी बोला है. बाबा has said in the मुरली as well as the अव्यक्तवाणी. ये जो फर्स्ट क्लास आत्मा है, इसको दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता. No one in the world can stop this first class soul. क्या? What? कहीं भी यहाँ आ जाना करे, अव्यक्तवाणी में बोला. He may visit any place. It was said in the अव्यक्तवाणी. रोक सकता है? Can anyone stop him? फिर ऐसों को छुप के रहने की जरूरत है? Then, is there the need for such one to live in hiding? है? अरे फिर शंकर जी को भस्मासुर के डर से भागने की दरकार है? Is there the need for शंकर जी to run because of the fear of भस्मासुर? अरे है कि नहीं? अरे ना या हाँ? अरे इज देयर और नॉट? अरे नो और यस? है भागने की दरकार. क्यों? इज देयर द नीड फॉर हिम टू रन? व्हाई? है बच्चों के कल्याण के लिए है भागने. बच्चों को क्या कल्याण इसमें होगा? स्टूडेंट रिप्लाइज, देयर इज द नीड फॉर हिम टू रन फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन. हाउ विल द चिल्ड्रन बी बेनिफिटेड बाय इट? तो अपना ही कल्याण तो कर लो पहले. सार्कास्टिकली, एट लीस्ट ब्रिंग योर ओन बेनिफिट फर्स्ट.
अपने कल्याण की है। सब बात तो पहले बुद्धि में सोच लो कि हम विश्व के मालिक हैं, हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी किसी की नहीं चलेगी। एट लीस्ट थिंक ऑफ योर ओन बेनिफिट थ्रू द इंटेलेक्ट फर्स्ट। आई एम द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड, नो वन कैन प्रेस हिज अथॉरिटी ओवर मी। है उस दुनिया का सबसे पावरफुल होगा तो उसका मुकाबला कोई करेगा? विल एनी वन कॉन्फ्रंट द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड? तो कोई नहीं करेगा। नो वन विल। पुरुषार्थ के लिए है क्या? स्टूडेंट कमेंट्स, फॉर पुरुषार्थ व्हाट? टाइम सिल, क्या बोला? टाइम, व्हाट डिड यू से? अच्छा, याद की यात्रा में नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, दे आरंट ऑन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस, व्हाई आरंट दे? क्योंकि सब पुरुष क्या है? दुर्योधन दुशासन है। इट इज बिकॉज व्हाट आर ऑल मेन, दे आर दुर्योधन दुशासन। हाँ, ये कहेंगे नंबर वार बहुत कम है, बिल्कुल। यस, इट विल बी सेड दैट दे आर ऑन दैट जर्नी नंबर वाइज टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट। परंतु यहाँ काम ही आने की है, है? याद की यात्रा। बट हियर इट इज जस्ट द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस दैट विल बी ऑफ यूज। इसलिए बाबा कहते हैं कि कितना भी कुछ भी करो, याद की यात्रा जरूर करो। दिस इज वाई बाबा सेज, नो मैटर व्हाट यू डू एंड हाउ मच यू डू इट, डेफिनेटली रिमेन ऑन द जर्नी ऑफ रिमेम्बरेंस। व्हाट? ज्ञानेंद्रियों से कुछ करो, कर्मेंद्रियों से कुछ करो, लेकिन क्या करो? यू मे डू एनीथिंग थ्रू द ज्ञानेंद्रिया और द कर्मेंद्रिया, बट व्हाट शुड यू डू? याद छोड़ो मत। डोंट लीव द रिमेम्बरेंस। इतनी प्रैक्टिस करो। यू शुड मेक द प्रैक्टिस सो फन। हाँ, कर्म करते याद बनी रहे, ये बड़ा पुरुषार्थ है या नहीं? हाँ, बड़ा पुरुषार्थ है। यस, द रिमेम्बरेंस शुड लास्ट इवन व्हाइल यू परफॉर्म एक्शंस। इज इट अ ग्रेट पुरुषार्थ और नॉट? यस इट इज। तो अब वो अपना हिसाब रखना है। सो यू हैव टू मेंटेन योर अकाउंट। रखना है तो रखाओ। मेंटेन इट इफ यू वॉन्ट टू। सो भी वो हिसाब रखने से ही नहीं मानेंगे। एंड जस्ट मेंटेनिंग द अकाउंट इज नॉट इनफ। है वो हिसाब भी जब रजिस्टर बाप देखें। व्हेन द फादर सीज दैट अकाउंट दैट रजिस्टर। अभी देखें या बाद में देखें, बाबा के पास तो सारा रजिस्टर तैयार हो रहा है। He may see it now or later on. The entire register is getting ready with Baba. Chitragupta tayyar karta hai ki nahi? Does Chitragupta maintain it or not? Haan, ek ek ka. Yes, he maintains the register of each and every person. Tabhi unke upar gaur karein. Then pay attention to them. Abhi nahi, tabhi. Not now, then. गौर करें कि इतना इतना समय ये याद कर सकते हैं और कैसे याद किया है। पे अटेंशन टू द फैक्ट दैट दे कैन रिमेम्बर फॉर दिस मच टाइम एंड हाउ हैव दे रिमेम्बर्ड। सिर्फ निराकार को याद किया है, अव्यक्त को याद किया है? डिड दे रिमेम्बर ओनली द इनकॉर्पोरियल वन, द सटल वन? वो तो गीता में भी लिखा हुआ है। क्या? इट इज सर्टनली रिटन इन द गीता एज वेल। व्हाट? अव्यक्तात् गतिर् दुःखं देवद्भिरवाप्यते। अव्यक्तात् गतिर् दुःखं देवद्भिरवाप्यते। जो अव्यक्त गति है, अव्यक्त स्मृति है, याद है, वो देहधारियों के द्वारा बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। व्हाट? इट मीन्स द बॉडीली बीइंग्स अटेन द सटल डेस्टिनेशन, द सटल रिमेम्बरेंस विद ग्रेट डिफिकल्टी। तो खुद धर्म पिता क्या करते हैं? सो व्हाट डू द रिलीजियस फादर्स डू? उनको अहंकार रहता है कि नहीं? डू दे हैव ईगो और नॉट? अरे कैसा भी मुश्किल काम हो, दे थिंक, अरे नो मैटर हाउ डिफिकल्ट अ टास्क इज, मुश्किल को भी हम क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू इवन टू दैट डिफिकल्ट टास्क? हम मुश्किल को भी कैसे करेंगे? वी विल मेक इवन द डिफिकल्ट टास्क इजी। और इधर तो ज्ञानियों को तो बाबा ने बता दिया क्या? एंड हियर Baba has certainly told the knowledgeable ones. What? मुश्किल को सहज बनाने वाला कौन? Who is the one who makes the difficult tasks easy?
एक शिव बाबा दूसरा वन शिव बाबा एंड नो वन एल्स. कैसे कैसे सहज बनाए देते हैं. हाउ हाउ डज ही मेक इट इजी. कहते हैं मुझे मुकर्र रतधारी को याद करो. ही सेज रिमेम्बर मी द वन हु बियर्स द परमानेंट चैरियट. मैं मुकर्र रतधारी में प्रवेश करके पार्ट बजाता हूँ ना. आई एंटर द परमानेंट चैरियट एंड प्ले अ पार्ट डोंट आई. तो मुझे साकार में निराकार को याद करो. सो रिमेम्बर मी द इनकॉर्पोरियल वन इन द कॉर्पोरियल वन. तो ये भी देखा जाता है कैसे याद किया है. इट इज ऑल्सो सीन हाउ समवन हैज रिमेम्बर्ड. ज्यादातर कैसे याद किया. हाउ ही हैज रिमेम्बर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. हाँ उसे भी लिखेगा ना. यस ही विल राइट दैट एज वेल वॉन्ट ही. है कि बिंदी को ज्यादा याद किया है या साकार में निराकार को ज्यादा याद किया है. डिड ही रिमेम्बर द पॉइंट मोर और डिड ही रिमेम्बर द इनकॉर्पोरियल वन इन द कॉर्पोरियल वन मोर. हाँ लिखेगा. हम कैसे याद करते हैं. यस ही विल राइट इट. हाउ डू वी रिमेम्बर. आत्मा समझते हैं. डू वी कंसिडर आर सेल्स अ सोल. आत्मा समझ करके याद करते हैं. Do we remember after considering ourselves a soul? कहाँ थे और कहाँ याद करते हैं. Where were we and where do we remember? वो लिखेगा ना. He will write it, won't he? कहीं भी थे कटिया पे लेटे थे. No matter where we were lying on the bed. ऐसे होता है ना कटिया पे लेटे लेटे याद कर सकते हैं कि नहीं. It happens like this, doesn't it? Can we remember lying on the bed or not? खटिया पे लेटे थे. We were lying on the bed. अच्छा टेबल सामने रखकर बैठे थे ऑफिस में. अच्छा वी वर सिटिंग विद द टेबल इन फ्रंट ऑफ अस इन द ऑफिस. झाड़ के नीचे बैठे थे. वी वर सिटिंग अंडर अ ट्री. सब कुछ लिखेगा ना. ही विल राइट एवरीथिंग वोंट ही. यहाँ यहाँ जहाँ कहीं भी रहे. हियर देयर और वेयर एवर दे स्टेड. बाबा ने जैसे बताया वैसे एक्यूरेटली याद किया. डिड दे रिमेम्बर एक्यूरेटली द वे बाबा टोल्ड देम टू. क्या. हाँ वॉट. स्टूडेंट रिप्लाइज यस. अपन को निराकार आत्मा समझ के साकार में निराकार को याद किया. डिड दे कंसिडर देम सेल्स एन इनकॉर्पोरियल सोल एंड रिमेम्बर द इनकॉर्पोरियल वन इन द कॉर्पोरियल वन. तो उनसे बाबा भी समझ जाएंगे अगर लिखेंगे तो. सो बाबा विल ऑल्सो अंडरस्टैंड थ्रू इट इफ दे राइट. कि इनकी ये याद अच्छी वृद्धि को पाती रहती है. अगर सच्चाई से लिखते हैं तो बाबा जान जाएंगे. देयर रिमेम्बरेंस कीप्स प्रोग्रेसिंग वेल इफ दे राइट इट ट्रूथफुली. बाबा विल नो अबाउट इट. कौन समझ जाएंगे. हु विल अंडरस्टैंड. है इनकी लिखत से बाबा भी समझ जाएंगे. बाबा विल ऑल्सो अंडरस्टैंड थ्रू वॉट दे राइट. शिव शब्द नहीं लगाया. ही डिडंट एट द वर्ड शिव. बाबा माने जिस तन में प्रवेश करते हैं वो बाबा भी साकार भी समझ जाएगा. बाबा मीन्स द बॉडी ही एंटर्स दैट बाबा द कॉर्पोरियल वन विल ऑल्सो अंडरस्टैंड. किनकी याद वृद्धि को पाती रहेगी. समझे ना. दैट देयर रिमेम्बरेंस विल कीप प्रोग्रेसिंग. यू अंडरस्टूड डिडंट यू. और उनको फिर बहुत खुशी बढ़ती जाएगी. एंड देन देयर हैप्पीनेस विल कीप इंक्रीजिंग अ लॉट. किनको. हुज. जो साकार को पहचान करके और फिर उस साकार में भ्रकुटी के मध्य में निराकार को याद करती रहेंगे. दोज हु विल रिकॉग्नाइज द कॉर्पोरियल वन एंड कंटिन्यू टू रिमेम्बर द इनकॉर्पोरियल वन इन द कॉर्पोरियल वन इन द भ्रकुटी. तो रिजल्ट क्या होगा. What will be the result? उनकी खुशी बढ़ेगी या घटेगी. Will their happiness increase or decrease? हाँ दिन दूनी रात चौगुनी खुशी बढ़ती जाएगी. Yes, their happiness will continue to increase by leaps and bounds. क्योंकि अभी तक हुआ क्या है. It is because what has happened so far? खुशी गिरती आई है. Has the happiness kept decreasing? है गिरती है गिरती है. कहाँ तक गिरती है कि जा करके एकदम आयु भी कमती होती जाए. इट कीप्स डिक्रीजिंग एंड इट डिक्रीजेस टू सच एन एक्सटेंट
that even the lifespan has reduced completely. खुशी भी कम. Happiness has also decreased. सब कुछ कम होता जा रहा है. Everything is going on decreasing. और यहाँ तो तुम जितना ऊंचा जाएगा. And the higher you go here. क्या कहा? यहाँ माने कहा? What was said here means where. यहाँ बाप के सन्मुख रहकर तुम जितना ऊंचा जाएगा. The higher you go here, being face to face with the father. खुशी तुम्हारी बहुत बहुत बढ़ती है. Your happiness will continue to increase a lot. जितना नजदीक जाएगा. The more you go close to him. कैसे जाएगा? How will you go close? देह से कि मन बुद्धि रूप आत्मा से. Through the body or through the mind and intellect like soul? मन बुद्धि रूपी आत्मा से किसके नजदीक जाएगा? Through the mind and intellect like soul. You will go close to whom? किसके नजदीक जाएगा? You will go close to whom? Supreme Soul ज्योति बिंदु के नजदीक जाएगा. Will you go close to the Supreme Soul, the point of light? उसकी ज्यादा याद आएगी. Will you remember him more? या वो Supreme Soul निराकार जिस साकार मुकर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाए रहा है, है? उस स्वरूप के नजदीक जाएगा. Or will you go close to the form of the corporeal permanent chariot that the incorporeal supreme soul has entered and is playing a part? इतना तुमको खुशी होगी एकदम. You will feel so happy. घड़ी घड़ी तुमको याद आने से फिर क्या होगा? What will happen if you remember him every second? फिर और क्या रिजल्ट होगा? What else will be the result? घड़ी घड़ी तुमको जब याद आता रहेगा तो याद आने से फिर साक्षात्कार भी होता रहेगा. When you continue to remember him every second, you will also have visions because of the remembrance. क्या? कौन सा साक्षात्कार? What? Which vision? एक होता है भक्तों का साक्षात्कार. One is the vision of the devotees. बाहें बंद हो जाती हैं और जैसे स्वप्न में आदमी देखता रहता है ऐसे स्वप्न बता देखते रहते हैं. The eyes are closed and just like a person has a dream, similarly, they keep having the vision like a dream. भक्तों का साक्षात्कार बंदा हो वाला या बुद्धि का साक्षात्कार? Is it the vision of the devotees through closed eyes or is it the vision of the intellect? आंखें खुली रहे लेकिन बुद्धि से ऐसा साक्षात्कार हो है बढ़िया बढ़िया पॉइंट का. Yes, the eyes should be open. And you should have such vision of the very good points through the intellect. खुशी का पारा एकदम एकदम चढ़ जाएगा. That the mercury of joy rises completely. होगा कि नहीं? Will it or not? Yes. साक्षात्कार होता रहेगा. You will continue to have visions. क्योंकि जब भक्ति में भी बहुत याद आती है तो उनको साक्षात्कार होते हैं ना? हाँ. It is because when they remember God a lot even in the path of bhakti, they have visions, don't they? Yes. वो तो देहदारियों की भक्ति करते हैं, मूर्तियों की भक्ति करते हैं, चित्रों की भक्ति करते हैं. They certainly worship the bodily beings, the idols, the pictures. और तुम? तुम कोई देहदारी की भक्ति करते हो? नहीं. And what about you? Do you worship any bodily being? No. तुम तो याद करते हो. You certainly remember. Yes. तो भक्तों को भी साक्षात्कार जैसे होते रहते हैं तुमको भी होते रहेंगे. So, you will also keep having visions like those devotees do. यहाँ भी बहुत याद आएगी. You will remember a lot here as well. क्या कहा? What was said? यहाँ भी. कहाँ भी? Here as well. Where as well? आबू अब्बा के घर में जब सामने रहेंगे. When you stay in the house of Abu Abba, when you stay in front of him. तो यहाँ भी यहाँ अरे मधुबन किसे कहा जाता है? Here as well. अरे what is called मधुबन? ब्रॉड मधुबन किसे कहेंगे? महा मधुबन. What will be called the broad मधुबन, the महा मधुबन? किसे कहेंगे? What will be called that? यह मधुसूदन हो. Student replies, yes, the place where Madhusudan resides. कि,
किसको? सूदन, सूदन माने मारने वाला। Whom does he kill? Sudan means the one who kills. मधु, मधु माने मधु को मारने वाला। मधु, What does मधु mean? Does he kill मधु? अरे मधु को मारने वाला नहीं। अरे isn't he the one who kills मधु? अरे मधु माने मीठा। अरे मधु means sweet. अरे 63 जन्म में क्या मीठा लगा? अरे What did you find sweet for 63 births? अरे कुछ मीठा लगा कि नहीं? अरे did you find something sweet or not? सच्ची सच्ची बता दो। Tell me honestly. अरे 63 जन्म में क्या मीठा लगा? अरे What did you find sweet for 63 births? क्रोध का काम मीठा लगा, लोभ का, मोह का क्या मीठा लगा? Did you find the task of anger, greed or attachment sweet? What did you find sweet? है? कौन सा विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे ही तो विकार होते हैं, बुद्धू बनाते हैं, विकार लिखते हैं। सच्चन? हाँ। Which vice? Lust, anger, greed, attachment and ego, all are certainly vices. You fool me by writing just vice? True? Student comments. Yes. काम विकार याद आ गया ना? You did remember the vice of lust. Didn't you? तो बड़ा मीठा लगा ना 63 जन्मों। So, you found it very sweet in the 63 births, didn't you? अरे नहीं लगा, हाँ बड़ा मीठा लगा। अरे, didn't you find it sweet? Yes, you found it very sweet. तो यहाँ भी जब बहुत याद आएगी, हैं, तो साक्षात्कार होंगे। So, you will have visions when you remember a lot here as well. वो भक्ति मार्ग के साक्षात्कार होते हैं। Those are the visions of the path of bhakti. और ये वरी तुम्हारे ज्ञान के साक्षात्कार। And these are the visions of your knowledge. ज्ञान, ज्ञान के ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे पॉइंट तुम्हारी बुद्धि में आते रहेंगे। Such good points of knowledge will keep emerging in your intellect. कि तुम्हारा खुशी का पाड़ा एकदम हाईएस्ट स्टेज पे पहुंचेगा। That your mercury of joy will reach the highest stage. तो ये समझने की बातें हैं, हाँ। So, these are points to understand. Yes. बाकी, बाकी इस दुनिया में गपोड़ा मारने वाले गपोड़िया तो बहुत होते हैं। As for the rest, there are many gossipers who gossip in this world. क्या? What? बाबा, हमारा बहुत अच्छा पुरुषार्थ चल रहा है। They say, बाबा, we are making very good पुरुषार्थ। हमको बहुत खुशी होती है। We feel very happy. अरे दुकान में अच्छी बिक्री हो गई, है? एक दिन में लाखों का फायदा हो गया। अरे if there is a good sale in the shop, if they gain profit worth lakhs of rupees in a day, तो वो खुशी का पारा चढ़ जाता है, तो समझते हैं हमारी बहुत खुशी की पारा चढ़ रहा है और हमको बहुत अच्छी याद आ रही है। Their mercury of joy rises. So, they think, Our mercury of joy is rising a lot and we are remembering very nicely. अरे यहाँ तो first class, second class, third class, fourth grade भी हैं याद करने वाले। अरे here there are those who are first class, second class, third class and even fourth grade in remembrance. ये जो आया सो समझाते रहते हैं। They keep explaining whatever comes in their intellect. है जो आया सो समझाते रहते हैं। They keep explaining whatever comes in their intellect. जो भी पॉइंट अच्छा समझ बुद्धि में आ जाता है ना तो खुशी का पारा चढ़ता है ना याद करके। Whichever point they understand nicely, their mercury of joy rises by remembering it, doesn't it? तो हाँ दूसरों को समझाते रहते। Then, yes, they keep explaining it to others. तो पीछे कोई अच्छे आदमी को फोर्थ ग्रेड मिल गई या थर्ड ग्रेड मिल गई? If some good person received a fourth grade or a third grade teacher, तो वो बिचारे को बिचारे की बुद्धि में बैठेगा नहीं ना? It won't sit in the intellect of that poor one, will it? ये क्या? He will think, what is this? ब्रह्मा कुमारी ज्ञान क्या सुनाती है? What knowledge do these Brahma Kumaris narrate? अरे प्रजावर्ग में जाने वाले हैं। अरे those who are going to go in the subject category,
फोर्थ क्लास प्रजा में है, थर्ड क्लास प्रजा में, सेकंड क्लास प्रजा में, तो उनकी समझ में आएगा। इन द फोर्थ क्लास सब्जेक्ट कैटेगरी, इन द थर्ड क्लास सब्जेक्ट कैटेगरी, इन द सेकंड क्लास सब्जेक्ट कैटेगरी, देन विल दे अंडरस्टैंड। वो तो राजा बनने वाले ही है ही नहीं, तो राजयोग की बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी। यस, व्हेन दे आरंट दोज हु बिकम किंग्स विल द टॉपिक्स ऑफ राजयोग सिट इन देयर इंटेलेक्ट। नहीं बेटे, दे वोंट। तो फिर आगे चल करके ये प्रजा वर्ग में आने वाले भी, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा वाले भी आगे चल करके आवेंगे। सो दोज ऑफ द सब्जेक्ट कैटेगरी, दोज हु कम इन द फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास सब्जेक्ट कैटेगरी विल ऑल्सो कम इन फ्यूचर। ऐसे नहीं समझो नहीं आवेंगे। डोंट थिंक दैट दे वोंट कम। आवेंगे कि नहीं आवेंगे? Will they come or not? आएंगे। They will come. Yes. आगे चल करके तुम और होशियार होते जाएंगे। You will continue to become more intelligent in future. और होशियार, और होशियार। You will become more and more intelligent. जितना जौहर आएगा तुम्हारे पास याद का। The more you have the excellence of remembrance, माने तुम्हारी याद की यात्रा जितनी तीखी और जास्ती, it means the more the journey of your remembrance is sharp and intense. निरंतर याद कहते हैं ना? It is said constant remembrance, isn't it? तो निरंतर में नंबर वार ही तो होगी ना? हाँ. So they will certainly be number wise in constant remembrance, won't they? Yes. जितनी याद की यात्रा तुम्हारे पास आएगी, जो बिल्कुल अभी कम है। The more you stay on the journey of remembrance, the remembrance which is very little now. और इस समय में बहुत कम है। And it is very little at this time. किस समय की बात बताई? About which time was it said? 60? हाँ, 7 की बात बताई। इस समय तो बहुत कम है। It was said about 67. It is very little at this time. क्यों कम है? Why is it little? कम क्यों है? Why is it little? क्या बताया? Student replies, yes. What was said? मुकर्रर थे याद नहीं। अरे मुकर्रर थे को तो छोड़ो, वो तो 76 में प्रत्यक्ष होता है। Student replies, they don't remember the permanent chariot. Are, leave the permanent chariot. He is revealed in 76. उससे तो पहले किसी, वो खुद को भी नहीं जान पहचान पाता। 76 से पहले खुद को पहचानता है? खुद को भी नहीं। Before that, he isn't even able to recognize himself. Did he recognize himself before 76? He didn't. हाँ, तमो प्रधान होने के कारण। Student comments, yes. Because of being Tamopradhan, Tamopradhan होगा तो देवान वाला होगा। If he is Tamopradhan, he will be body conscious. देवान वाला होगा तो अहंकार आएगा, हम बड़े ऊंचे हैं। If he is body conscious, he will become egotistic, thinking I am very great. ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या समझते हैं? What do the Brahma Kumar Kumaris think? दुनिया के मुकाबले हम क्या हैं? What are we compared to the world? हम बहुत ऊंचे। We are very great. एडवांस पार्टी के मुकाबले भी हम क्या हैं? What are we compared to even the advance party? हम तो बहुत ऊंचे। तो देहवान बहुत है। We are very great. So they have a lot of body consciousness. समझे ना? You have understood, haven't you? वो कोई से भी नहीं टूटते हैं। No one is able to break their body consciousness. कोई ब्रह्मा भी उतर आए, परम ब्रह्म भी उतर आए, तो भी उनका देह अहंकार टूटेगा? नहीं टूटेगा। Even if Brahma descends or Param Brahm descends, will their bodily ego break? It won't. समझे ना? You understood, didn't you? किसको भी कुछ भी नहीं समझते। They don't consider anyone anything. Yeah?
अब ये तो जानते नहीं है कि उनको भी सुनाने में तीखे हो जाएंगे। नाउ दे सर्टनली डोंट नो दैट यू विल बिकम शार्प इन नैरेटिंग इवन टू देम। क्या तुम बच्चे जो बिल्कुल नहीं समझते हैं, जट बुद्धि हैं, फोर्थ क्लास प्रजा वाले हैं, वो उनसे उनसे उनको तोड़ने वाले बनेंगे पत्थर की नहीं। वॉट दोज हु जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, दोज हु आर डल हेडेड, दोज हु आर ऑफ द फोर्थ क्लास सब्जेक्ट कैटेगरी, विल यू चिल्ड्रन बिकम द स्टोन्स हु ब्रेक देम और नॉट? यस। अच्छा, मीठी मीठी सिकीटली बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, रिमेम्बरेंस लव एंड गुड मॉर्निंग ऑफ द स्पिरिचुअल बाप एंड दादा टू द स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड चिल्ड्रन। के भयो 18। वॉट इज इट टूडे द 18th? भयो भयो की ना भयो। इज इट और इज इट नॉट? कंक्लूडेड।